हेलो फ्रेंड्स, आज का लीगल डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की गति से बोला जाएगा। सो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक एक राष्ट्रीयकृत बैंक होकर शासन की योजना का क्रियान्वयन कराता है एवं हितग्राही को उसके आवेदन पत्र पर ऋण एवं उस पर राहत उपलब्ध कराता है। फुल स्टॉप। वादी क्रमांक दो सेवानिवृत्त होकर पेंशन भोगी वृद्ध व्यक्ति है। फुल स्टॉप। वादी क्रमांक एक ने वर्ष 2014-15 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में छोटी इकाई व्यापार हेतु 4 लाख रुपए का ऋण दिलाए जाने बाबत आवेदन दिए जाने पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा योजना के तहत वादी क्रमांक एक का ऋण प्रकरण स्वीकृत कर पत्र क्रमांक 627 उक्त दिनांक अनुसार प्रतिवादी क्रमांक एक के समक्ष ऋण स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसे प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा उक्त दिनांक को स्वीकार कर वादी एक को 4 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया। फुल स्टॉप। योजना के अनुसार वादी क्रमांक एक को 60,000 रुपये की सब्सिडी एवं ब्याज की राशि में 5% की छूट शासन की मंशा अनुरूप प्राप्त होनी थी। फुल स्टॉप। वादी क्रमांक एक द्वारा सब्सिडी क्लेम करने की शर्तों के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा संचालित 12 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्राप्त किया गया, जिसका प्रमाण पत्र भी वादी क्रमांक एक ने प्रतिवादी क्रमांक एक के समक्ष प्रस्तुत किया था। फुल स्टॉप। योजना के अंतर्गत वादी क्रमांक एक को 60,000 रुपये की सब्सिडी संबंधित ऋण प्रदाता बैंक अर्थात प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा नियत अवधि में आयोग अर्थात प्रतिवादी क्रमांक दो के समक्ष क्लेम करने पर प्राप्त होने थे। लिस्ट ऑफ। प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा ऋण वितरण करने के तत्काल पश्चात प्रतिवादी क्रमांक दो से अनुदान राशि की मांग की जानी थी, किंतु प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरतते हुए कपटपूर्ण तरीके से अत्यधिक विलंब से उक्त दिनांक को प्रतिवादी क्रमांक दो को सब्सिडी क्लेम करने बाबत पत्र लिखा, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं था। फुल स्टॉप। पैरा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क्रमांक एक को पात्रता होने पर प्रतिवादी क्रमांक दो से 60,000 रुपये की अनुदान राशि तथा ब्याज की राशि में छूट प्राप्त होने पर ही वादी क्रमांक एक को छूट की राशि का भुगतान होना था तथा आवेदन के हस्ताक्षर के बिना सब्सिडी क्लेम नहीं की जा सकती थी। सब्सिडी कुछ शर्तों के अधीन प्रतिवादी क्रमांक दो द्वारा प्रदान की जानी थी तथा सब्सिडी का क्लेम फॉर्म स्वयं वादी के हस्ताक्षर से सब्सिडी की समस्त शर्तों को पूरा करने पर प्रतिवादी क्रमांक एक के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक दो को भेजा जाना था, जो वादी द्वारा ऋण वितरण के पश्चात
नियत अवधि में नहीं भेजा गया तथा समयावधि पश्चात अनावश्यक रूप से प्रतिवादी क्रमांक एक को परेशान करने हेतु असत्य आधार पर शिकायत की गई, फुल स्टॉप। तत्पश्चात जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के पत्रानुसार अनुदान की राशि की मांग हेतु उक्त दिनांक को प्रतिवादी क्रमांक दो को पत्र लिखा गया था, कौमा, किंतु प्रतिवादी क्रमांक दो से ऋण अनुदान राशि प्राप्त न होने के कारण वादी को अनुदान की राशि प्रदान नहीं की जा सकती है, फुल स्टॉप, स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।